पूरी दुनिया ने जो पैसे की परिभाषा की है वो है विनिमय का माध्यम। पैसा ये विनिमय की वस्तु नहीं है, ये माध्यम है। माध्यम और वस्तु में क्या फर्क है? माध्यम और वस्तु ये दोनों चीज ऐसी है, इसको सब कोई यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क एक है, वस्तु है वो आपके ताबे में, आपके कब्जे में आप रख सकते हो। ये मेरा चश्मा स्पेक्ट, ये चीज है, मैं मेरे जेब में रखूंगा, मेरे कब्जे में रखूंगा। ये मेरा शर्ट, इसको फिजिकल एंटिटी है, मैं उसको कब्जे में रख सकता हूं, यूज कर सकता हूं और पोजेशन में भी रख सकता हूं। माध्यम ऐसा होता है जो यूज किया जा सकता है लेकिन पोजेशन में नहीं रखा जा सकता। जैसी भाषा, मैं आपके साथ अभी एक भाषा में बात संवाद कर रहा हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये मेरी भाषा में आपको यूज नहीं करने दूंगा? क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? ये हवा जिससे हम सभी श्वास लेते हैं, मैं भी लेता हूं, आप भी लेते हो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये हवा मेरी आपको नहीं यूज करने दूंगा? ये मीडियम है, पजेस नहीं किया जा सकता। अभी मेरे जेब में 100 रुपए की नोट है, वो मीडियम है या कमोडिटी है, वस्तु है, क्या है? मेरे जेब में 100 रुपए की जो आज नोट है अभी, वो वस्तु है या माध्यम है? क्या होगी? माध्यम। अभी वो मेरे पोजेशन में है इसलिए वो अभी वस्तु बन गई है। आज तो ये जयपुर की इतनी इलीट क्लास है, अगर हम सबके यहां वॉलेट खाली करेंगे तो कम से कम 1.5 लाख रुपए तो यहां मिलेंगे। लेकिन यही जब वो पब्लिक डोमेन में ये पैसा नहीं है बैंकों में, तब एक किसान सुसाइड करता होगा वहां। इतनी वैल्यू कंसोलिडेट करके हम यहां रखे, ना यूज खुद कर रहे हैं ना किसी और को यूज करने दे रहे। अगर ये मेरी नोट अगर बैंक अकाउंट पे होती तो क्या होता? तो ये माध्यम बन जाती, जो उसको चाहिए बैंक उसको देती, बैंक का कोई और फंक्शन नहीं होता। बैंक सिर्फ पैसे को सर्कुलेशन में रखना, यही बैंक का ये होता है। अगर वो डिजिटल फॉर्म में हो जाती, जिसको हमने ये कागज का टुकड़ा, इतनी वैल्यू, फिजिकल वैल्यू हमने सीज करके हमारे जेब में रखी है, फ्रीज करके, ना हम यूज कर रहे ना किसी और को देकर कर रहे दे रहे। आज ये मजबूरी कितनी बड़ी हो गई है इसके लिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आज हम नए इरा में आ गए, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट में सिर्फ दो जाति होती है, तीसरी जात नहीं होती। मार्केट पे सबसे बड़ा होता है, जिसके सिवा मार्केट चल ही नहीं सकती, उसको बोलते हैं ग्राहक, कस्टमर इज गॉड। और मार्केट में सबसे नीचा जो होता है, सबसे नीचा, जिसका मार्केट बहुत घृणा करता है, मार्केट जिस व्यक्ति को चाहता नहीं है, वो होता है भिखारी। भिखारी और ग्राहक, ये दोनों के पास जरूरत होती है, नीड्स। लेकिन फर्क एक होता है, एक के पास परचेसिंग पावर होती है, दूसरे के पास नहीं होती है, फिनिश्ड। मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ दो कास्ट, हैव्स एंड हैव नॉट्स। ग्राहक के सिवा मार्केट चल नहीं सकता और भिखारी के साथ मार्केट नहीं चल सकता। हमारे देश के 130 करोड़ की पॉपुलेशन में इतनी बड़ी मार्केट वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू हम नोटों में बंद करके रखे, पोजिशन में रखे थे। अगर वो नीचे पेनिट्रेट नहीं होगी तो ये देश का हालत क्या होने वाला है? हर चीज मोनेटाइज हो रही है, पैसे के सिवा तो दूसरी बात ही नहीं है। यही तो हमारे डेवलपमेंट के रास्ते है कि मोनेटाइज करो, मेजर करो, वैल्यू को इवैल्यूएट करो, मेजर करो, पेनिट्रेट करो, कैसा जाएगा? हमारी जेब की नोट होती है, अपने घर की किताब होती है, पढ़ने के बाद किसी और के काम की नहीं होती है। लेकिन डिजिटल मनी ये लाइब्रेरी की किताब होती है, पब्लिक लाइब्रेरी की। जब हमारी पढ़ाई हो जाती है तो किसी और को मिलती है पढ़ने के लिए। ये सोशल डोमेन में जाती है प्राइवेट पोजिशन से, और फिर वो मीडियम बनता है। जैसे सामने वाला रास्ता होता है ना, इसका मालिक ही कौन होता है? इसका मालिक होता है समाज, सोसाइटी, उसके ऊपर का व्हीकल अपना होता है। लेकिन रास्ता, रास्ता सोसाइटी का होता है, वैसे पैसा सोसाइटी का होता है। हमारे देश ने उसको प्रिंट किया है, हमारी गवर्नमेंट की वो लायबिलिटी होती है। अगर हम पोजेशन में रखने लगेंगे तो अगर नीचे जाएगा ही नहीं तो और क्या हालत होती है देश की? ये कमोडिटी बन गया था।